दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल साथ निभाना साथी हमें चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अब देखने को मिलने वाला है कि घना और अनंत की शादी में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। और यहाँ पर राधिका मंडप में आकर बैठ भी जाती है, दूसरी तरफ अगर सब पकड़ा भी जाता है, राधिका भी पकड़ी जाती है और बाह उसे धक्के देकर मंडप से उठा देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर गहना बेहोश पड़ी होती है और फाइनली गहना को दुल्हन बनाकर हेमा और टिया लेकर आते हैं मंडप में। लेकिन उससे पहले ही उसके अनंत के पास में कॉल आ जाता है कि या तो तुम गहना को यहाँ भेजो वरना वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देगा। और ये कहकर अनंत बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाता है कि लेकिन वो गहना को भेजने को तैयार नहीं होता। लेकिन गहना खुद वहाँ पहुँचेगी और वहाँ पर कुछ ऐसा ड्रामा करेगी, कुमार का पूरा प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा और उसे फिर से सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और उसके बाद में धूमधाम से गहना और अनंत की शादी करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सबके सामने धूमधाम से अब गहना की और अनंत की शादी होगी और फाइनली अनंत उसके दिल की बात भी गहना से सबके सामने कहेगा। जी हाँ दोस्तों, गहना को पूरे मंडप में सबके सामने प्रपोज करने वाला है अनंत और अपने दिल की बात भी उसे कहेगा। तो फाइनली जो गहना चाहती थी, और गहना तो पहले से अनंत से प्यार करती है, और अब फाइनली अनंत ने भी उसको अपने दिल में जगह दे दी है और सबके सामने वो उसको एक्सेप्ट भी करेगा और उसको मंगलसूत्र पहनाया और की मांग में सिंदूर भरकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगा। तो वहीं अब अनंत और गहना का महामिलन होने वाला है, जो कि कनक और राधिका से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राधिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कहना अब अनंत की हमेशा के लिए वाइफ बन गई है और यहाँ तक कि अनंत उसे प्यार भी करने लगा है और उसे ज़बरदस्ती ही अब यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर से घर छोड़कर जाने का फैसला अब होगा और घर वाले भी अब राधिका को यहाँ नहीं रहने देंगे। और एक तरफ गहना का गृह प्रवेश होगा तो दूसरी तरफ राधिका के घर वाले मिलकर बा अब विदाई कर देगी राधिका की हमेशा के लिए और कह देगी कि अब इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहीं पर होगा अब गहना और अनंत का महामिलन, तो दूसरी तरफ राधिका की विदाई।